अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें, मैं अभी दोबारा यहाँ पर आया हूँ और अभी मैंने गाड़ी में कूलेंट भी डलवाना है। ये कूलेंट का इन्होंने पानी निकाल दिया है सारा, पुराना जो रिजर्वायर का पानी वगैरह था वो निकाल दिया है। और अब ये कूलेंट है, ये एवोलाइन का कूलेंट है एक्सटेंडेड लाइफ। ये एक ये कूलेंट है, मैं ये डलवाऊँगा। ये तकरीबन 5 लीटर का कूलेंट है, ये 5 लीटर कूलेंट इसमें डलेगा और तकरीबन 5 लीटर इसके साथ पानी होगा। तो कूलेंट और पानी मिक्स होके ये तकरीबन 9.5-10 लीटर का इसके अंदर मिक्सचर होगा। और ये सॉल्यूशन जब डलेगा तकरीबन मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक ये मेरी ड्राइविंग जो इतनी होती है उसमें ये तकरीबन 2 साल इसको कहीं ना तो चलना चाहिए, 2 साल तो इस कूलेंट को यहाँ पर इस गाड़ी में इंजन में चलना चाहिए। बहुत बताना क्या कर रहे हो। आयल स्विच ख़राब हो गई, आयल स्विच चेंज हो रहा है, आयल स्विच की वायरिंग इसकी टूटी हुई थी वो सेट कर रहे हैं। तो गाइस ये आप ये देखें, इन्होंने ये ऑयल पम्प का स्विच खोल लिया है और इस स्विच को ये अच्छी तरह से इसको वॉश कर रहे हैं। पहले इन्होंने इसको कार्बोरेटर क्लीनर से साफ़ किया है अच्छी तरह, अब इसको इन्होंने ये WD-40 से अच्छी तरह इसको साफ़ कर रहे हैं और ताकि इसका कोई रेजिड्यू बाकी ना रहे इसके अंदर, इसको अच्छी तरह से वॉश करके और अब इसको सुखाएंगे। जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगा इसको दोबारा फिट नहीं करेंगे। और ये दूसरा इन्होंने इसके साथ साथ एक ग्रिप भी चेंज करी है, इसके साथ ही ये दूसरी ग्रिप नई ग्रिप लेकर आए हैं, ग्रिप लगाई है। और गाइस ये देखें, ये रेडिएटर के कूलेंट का रिजर्वायर है, ये एक छोटी सी बोतल होती है, इस बोतल के अंदर भी थोड़ा सा ना कचरा और जो पानी का एक काई सी जम जाती है वो इसके अंदर मौजूद था। एक पुराने कूलेंट का भी कुछ बाकियात इसके अंदर थी, तो इसको अच्छी तरह से इसमें बजरी और केमिकल डाल के अंदर से इसको हिला रहे हैं ताकि ये अंदर से भी धुल जाए और ये अंदर से साफ़ हो जाए। ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है इनकी और ये बिल्कुल अंदर से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और गाइस ये दूसरा ये एक और चीज़ देखें, ये मैं अपना ये कूलेंट लेकर आया हूँ, ये कूलेंट अभी इसके अंदर डाल रहे हैं। इस कूलेंट की ख़ास बात ये है कि इसको 50-50 रेशो के अंदर मिक्स करना पड़ता है, यानी कि अगर आपने 1 लीटर कूलेंट लिया है तो उसमें 1 लीटर पानी मिक्स होगा, तो ये दोनों मिक्स होने के बाद 2 लीटर आपका मिक्सचर बन जाएगा। तो एक तो ये बात कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी है अभी जो मिल रही है मार्केट में इस वक्त, मुझे मयसर थी मैंने वो ले ली। और फिर इसके बाद ये एक और मुझे इसके ऊपर ना ईज़ ऑफ माइंड ये होगा कि जब मेरी गाड़ी खड़ी भी होगी, भले ये 1 महीने भी अगर खड़ी रहे तो इसके ब्लॉक के कोई नुकसान नहीं होगा और कोई जंग का मुझे कोई ख़तरा नहीं होगा। तो व्यूअर्स, ये जो आपने देखा कि मैंने गाड़ी का काम करवाया है और इसमें एक तो ऑयल पंप का स्विच था, स्विच तो सही था, उसकी जो ग्रिप थी या वायरिंग थी वो एक जगह से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उस वायरिंग को रिपेयर करवाना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये डीज़ल इंजन होता है और इस डीज़ल इंजन के अंदर जो ये इसके ऑयल पम्प्स होते हैं और ये जो इसके इंजन पार्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा ना ये फ्रेजाइल से होते हैं और तो इनको ना टाइमली इसकी सर्विस करवाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने क्या आपने देखा कि मैंने अपनी गाड़ी में इंजन में इस तरह से काम करवाया है, इंजन में तो एक जनरली काम नहीं हुआ लेकिन इसका जो ऑयल पंप था, ऑयल पंप का एक छोटा सा उसमें इशू आ रहा था कि उसके ऑयल पंप का जो स्विच होता है उसका जो ग्रिप था वो ख़राब हो गया था, तो ग्रिप मुझे रिप्लेस करवाना था। वैसे ग्रिप इसका रिपेयर भी हो जाता है लेकिन मैंने सोचा कि 400-500 की चीज़ें इसको रिप्लेस ही करवा लें। इसको एक काबली में ही काबली मिलता है जो जेन्युइन पार्ट होता है वो उसी से मैंने इसको रिप्लेस करवाया। और दूसरा जो मेन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था वो था इसका कूलेंट का चेंज होना।
जब मैंने अभी रेडिएटर चेंज करवाया था तो उस वक्त कूलेंट यहाँ पर मार्केट में ओरिजिनल यहाँ पर नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक टेम्परेरीली इसमें पानी भर दिया था। अब पानी से अगर आप इंजन चलाएंगे तो उससे नुकसान ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा खड़ी रहती है या आपके इलाके में मॉइस्चर का इशू ज़्यादा है तो आपके ब्लॉक ख़राब हो सकता है, आपके जो इंजन ब्लॉक है उसमें जंग आ सकता है। जो कूलेंट होता है, कूलेंट एंटी रस्ट होता है और ये बड़े आपकी ना कूलिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, जंग नहीं लगने देता, और सर्दियों में ये पानी का जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट है उसको थोड़ा और ज़्यादा पीछे ले जाता है, यानी कि पानी ना ज़्यादा जमता नहीं है और गर्मियों में ये ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है उसके ऊपर ही मेंटेन रहता है। बहरहाल ये मेरा आज का ब्लॉग था, एक छोटा सा। मैंने सोचा कि वैसे इंजन का काम करवा रहा हूँ तो इसका एक ब्लॉग बनाएं और आप लोगों से इसको शेयर करें। हो सकता है कोई छोटी सी चीज़ इसमें से आपको समझ आई हो या अगर आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के अंदर कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसे कंटेंट देखना या किस तरह का कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर से बेहतर करूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। इंशाल्लाह ताला किसी और ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।